अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप देख रहे हैं, मैंने एक ट्रैक्टर को लोड किया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है ना, हम लोग ये पानी को क्रॉस करने वाले हैं। और ये मैंने जो है ये सारा क्लियर किया हुआ है। इसको हम लोगों ने यहाँ से लेकर ये पानी क्रॉस करना है, यहाँ से फिर यहाँ से और फिर यहाँ पर ला कर यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएंगे या यहाँ पे किसी भी एक साइड में, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लेके जाना है, उसके बाद मैं सेकंड बताऊँगा। और ये जो है, ये पूरी की पूरी सिटी जो है पानी के अंदर आई हुई है, मतलब इसमें पानी कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता, बस इसमें पानी जो है छोड़ा हुआ है और नीचे है रोड इस एरिए में, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं इस ट्रैक्टर के साथ, उम्मीद करता हूँ मज़ा आएगा। इसको हाईवे में डालता हूँ ताकि ट्रैक्टर इजीली मूव कर सकें। वैसे तो इस ट्रैक्टर में काफ़ी पावर है, पर इसके टायरों के ऊपर जो है ना इतना वजन नहीं है, आप देख सकते हो। क्योंकि ये जो पीछे गाड़ी उन्होंने डाली हुई है, ये फोर मतलब डबल एक्सल वाली है, तो सारा वजन जो है ना इसके ट्रैली के ऊपर, ये ट्रैक्टर के ऊपर इतना वजन नहीं है। इसलिए फिर भी मैंने जो है ना ये एक ट्रेन इसके ऊपर आधी तौर पर लगाई थी, तो चलो कुछ का वजन होगा टारों पर, क्योंकि ट्रैक्टर के टारों पर वजन ना हो तो वो लेबर नहीं लगा सकता। तो फिलहाल तो बहुत अच्छा जा रहा है, अभी आगे देखते हैं क्या सिचुएशन है। आप देख रहे हो पूरी की पूरी सिटी जो है पानी के अंदर है, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है पानी में चलाने का, और बड़ा अच्छा भी आ रहा है क्योंकि ये रोड के ऊपर चल रहा है एक तरह से। अरे ये फंसना नहीं, ये एक तरह से रोड के ऊपर चल रहा है, क्योंकि ये आप देख रहे हो लाइटिंग वाले खंभे यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। इससे ये साबित होता है कि ये रोड था और रोड के ऊपर पानी आ गया, हमें इस तरफ जाना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस तरह चलाना शुरू किया। ये याद रखना है क्योंकि मैंने ये हाई गियर लगा रहा है, इसलिए ये पीछे जा रहा है। अगर मैं लोड में करूँगा तो मेरे ख्याल में यही करना है, इसको बहुत मुश्किल होनी थी। अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है हाई में, ठीक है। तो ये पानी आया और ये पानी में डल गई थी, और ये जैसा थोड़ा सा फंस गया है, उम्मीद करता हूँ निकल जाएगा। अभी लोड में लगाना होगा हमें, ये लोड में लगाया और ये बड़े आराम से बाहर आ रहा है। मैंने आपको कल भी उसके वीडियो में बताया होगा कि लो गियर में जो है ना इस तरह की जो टायर स्पीड में वो चल रहे हैं, इतनी स्पीड में इससे ये होगा वो जो है ना दलदल को और नीचे जाने के लिए टायर जो है ना वो नहीं करेंगे, खड्डा नहीं खोदेंगे, उल्टा उसको जो है ना आराम से रिकवर करके आगे की तरफ निकलेंगे। तो लिहाजा आराम से क्रॉस कर लीजिए, अभी आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। हाई गियर लगा देता हूँ, हाई गियर का मैंने आपको बताया होगा कि सेकेंड गियर में गाड़ी का होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी हो तब जाकर हाई गियर रहेगा। ये फिर से दलदल आ गई और ये फिर हम दलदल में आ गए हैं, अभी तक सही जा रहा है। और ये बहुत अच्छे सही है, सही है, बहुत अच्छे है, बहुत खूब सही सही ईजी हो गया, हाई में हाई के लिए ईजी हो गया, मेरे को यहाँ पर मुश्किल होने वाली थी। अरे बच के भाई बच के, और ये जगह गलत है, जहाँ पे स्लीपिंग गाड़ी होगी तो लेफ्ट साइड में गिर सकती है खड़े में। यहाँ पर मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, लेफ्ट साइड में करना पड़ रहा है बार बार, एक तो थोड़ा स्पीड में होती है। अच्छा तो अभी मैंने लेफ्ट में जाना है, अब स्लो 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 ओ स्लो स्लो, ठीक है। ये यहाँ पर पहुँच गया, चलते हुए काफ़ी अच्छा आपने देख लिया, चलते हुए देखो बड़े आराम से चल रहा है, ठीक है। तो ये था ट्रैक्टर का, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग आपके कौन जो है ना, मैं जो है ना वो रखती हूँ, मैं लोग जो रखे हुए हैं उनको करते हैं पहले नंबर पे इस ट्रक को, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने इसको लोड किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने कहाँ लेके जाना है, यहाँ से राउंड करते हुए ये रोड बना हुआ है, यहाँ से घूमते हुए हमने इसको यहाँ पे लेके आना, ठीक है। तो मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होगे कहाँ पे जाना हमें। तो चलिए शुरू करते हैं,
इसका भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि तो ये भी रास्ता बहुत ख़तरनाक है। आपको मैंने बताया था इसमें कुछ मुश्किल करने को मिलेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इजी चलाने में तो कोई इतना मज़ा नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर मुझे बहुत सारा ध्यान करना होगा, गाड़ी में टर्न करना है, तो यहाँ पर रोड भी बहुत पूरा पूरा सा दिया हुआ है, थोड़ा सा साइड में, तो इसके लिए मूव करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। मुझे कोशिश करना है बड़ा से बड़ा टर्न करने के लिए। अरे यार ये गलत हो गया, ये गलत हो रहा है ना, ना गलत हो रहा है, थोड़ा चेंज करना होगा मुझे। एक आइडिया है मेरे पास, मैं ट्राई करता हूँ, पहले एक बार इसको आगे करता हूँ। ये यूँ किया, ठीक है। अब इसको ज़्यादा जो है ना इस साइड पे करता हूँ, राइट साइड में, ठीक है। ज़्यादा इस साइड पे करना चाहिए होगा तो ये टर्न इजीली रहेगा। जब एक टर्न ले लेंगे उम्मीद करता हूँ आगे वाला टर्न जो है ना बिल्कुल परफेक्ट होंगे, इसके लिए इजी से टर्न कर लेगा। ये स्टार्टिंग वाला टर्न बहुत मुश्किल है, लेकिन इस ट्रक को यहाँ तक लाने में मुझे पता नहीं कितने पावर मिले हैं, बहुत मुश्किल से इसको यहाँ तक ला पाया हूँ और रेडी किया इसको इस वीडियो के लिए। बहुत मुश्किल से यहाँ पर करना पड़ा मुझे, बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ा, ठीक है। ओके तो अब हम लोग यहाँ से थोड़ा और हम यहाँ से टर्न करेंगे आराम से। अभी आप देख रहे हो अभी सही में हो रहा है, हो रहा बस थोड़ा सा, अबे यार थोड़ा सा मैं चाहता नहीं कि इस पर आगे चला जाए। हो गया। अरे यार थोड़ा अटक गया, बस ये चीज़ बहरहाल ये बहुत मुश्किल हो रहा है, ये लकड़ी बहुत तंग करने वाली है। बस हो जा तेरी बहुत मेहरबानी, हो जा भाई हो जा। अरे यार ये क्या, ये तो उलट सकता है, थोड़ा ट्राई। अरे यार ये इसके आगे आ गई है, ये मसला है, थोड़ा इसको यहाँ पे करता हूँ। ये हो रहा है, अब थोड़ा बेटर है, अब मैं करता हूँ कर लेगा, हो गया। तो ये बहुत मुश्किल था ये वाला, अब आगे का पता नहीं है। हमें लॉन्ग ट्रक जब भी ड्राइव करना हमें पहले से देखना होगा आगे टर्न कैसा आ रहा है, उसी हिसाब से हमें लेफ्ट टर्निंग पहले से पोजीशन लेनी पड़ती है। जैसे कि लेफ्ट आ रहा है अभी, ये भी इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा लग रहा है देखने में, लेकिन फिर भी हमें एहतियात के तौर पर गाड़ी को राइट साइड में रखना होगा, ताकि गाड़ी को ईज़िली लास्ट वाले जो ट्रेलर है उसके व्हील जो है ईजिली टर्न कर लें। आगे वाले ट्रक को कहीं से भी थोड़ा मूव कर सकते हैं आप, लेकिन बैक में जो आ रहा है वो ही आएगा, ठीक है। इसमें पहले से डिसाइड करना होता है, ये गड़बड़ गलत हो गया, थोड़ा सा और बस हो गया। बहुत मुश्किल हो रही है यार, ये क्या है, ये तो टर्न बहुत मुश्किल दे रहे हैं। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, चाहे ये टूट गया, हो गया, तोड़ दे भाई और तेरी तो क्रैश नहीं करवाना हमें, हमें इसको फिर से वही करना होगा, यहाँ पे दिया और ये टर्न किया, सही है। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बस बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है, और मैनेज करना पड़ेगा। और कुछ ज़्यादा ही आउट में चला गया है मेरे भाई, ये बहुत गलत है, ये तो ओ तेरी, ओ तो ना 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 ना, ये क्या हो रहा है, ये गलत बात है,
ये गलत बात है, ये बहुत गलत होने वाला है। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, हमें तो सारी की सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। चल गया इस पानी वाला डायलॉग हो जाएगा। ओके यार, फिर से राइट में लेफ्ट में करना होगा। ये इतना फिर से इतना छोटा क्यों दे दिया इन्होंने? ये सही है, टूट गया। चलो चलो चलो, इसका भी तोड़ दो। नहीं तोड़ा, कोई बात नहीं। इस तरह के जब ये आते हैं ना, तो यहाँ पे मुझे वो जो मैंने आपको बताया था ना, भोला बड़ा वाला जो पैरों वाला है, वो बहुत ज़्यादा आता है, तो फिर इनको आराम से कुचल देता है। यार क्या दिक्कत कर रहे हैं बार बार। वैसे मेरे पास यहाँ पे अच्छा है मो टर्न करने के लिए है। थोड़ा राइट में और फिर लेफ्ट में, यहाँ से ऐसे। अभी सही है, बाकी बहुत डैमेज भी हमें हो रहा है। इसकी वजह यह है कि लंबा गाड़ी है, आप देख रहे हो। अब यार ये क्या सामने आ गया, चढ़ाई आ गई, ऊपर से चढ़ाई, ऊपर से लेफ्ट करना है। लेकिन खैर, इसको मैंने रोड वाले टायर इसीलिए डाले हुए हैं कि ये चढ़ाई को इजीली चढ़ जाएगी। यहाँ अभी तक तो रोड है, चढ़ जाइयो भाइयो, चाहिए चढ़ो चढ़ो चढ़ो। वाह, इतना मज़ा आ रहा है चलाने का। टायर रोड वाले इसलिए इजली चढ़ गया है। वाह क्या बात, क्या बात है, आगे वाले भी उठा रहा है। वाह, वैसे रियल लाइफ में मैंने एक बार उठाए थे, लेकिन वो ये ट्रैक नहीं है, वो मर्सिडीज कंपनी का ट्रैक है, 8 सेंटर वाला, 136 मेरे ख्याल में उसको बोलते हैं, यानी सॉरी 135 मेरे ख्याल में। हाँ, 135। यार ये क्या मसला हो रहा है, 135 को बोलते हैं। ये टर्न नहीं कर पा रहा, उसकी वजह है इनका दोनों टायरों की वाट लग रही है। अभी आप लोग को दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये किया और ये देखो, अब ये देखो, इन दोनों टायरों की वाट लग रही है, पीछे से बिल्कुल आप हो गया। अरे भाई हाले, एक आइडिया आया, इसको यहाँ से यहाँ की ओर देखें, ताकि ट्रक का साइड चेंज हो सके। तो ये हो गया और ट्रक इजीली बाहर भी आ गया। अभी भी आगे रोड आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो सही में जा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैनेज कर लेगा। यहाँ पे इतने वो नहीं है, पर यहाँ पे उलटना नहीं मेरे भाई, उलटना नहीं। बहुत डर लगता है जब इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पे ट्रक उलट जाए। इसका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ट्रक को बचाने का। हाँ मैं यार अब क्या करूँ, बैक में करूँगा तो चांसेस हैं बचने के, अदरवाइज़ यहाँ पे करूँ तो उम्मीद करता हूँ कुछ सपोर्ट मिल जाएगी। पर ये टूट भी जाते होते हैं अक्सर, मैंने नोट किया हुआ है, काफ़ी स्टेज में मेरे साथ ऐसे हुआ हुआ है, ये जो है ना टूट जाते हैं ज़्यादा झटका लगने की सूरत में। तो अभी भी यहीं पर रहने देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि बाबा दे बाबा दे, चल उठा ले ये चीज, ये ना बात काफ़ी अच्छा हो गया। बहुत मुश्किल था इसको यहाँ से लेके जाना। अरे यार ये फिर से जा आगे आगे, डर लग रहा है, उलट तो गई तो क्या करूँगा। बस बस बस, बहुत हो गया, ये आगे दरअसल आ गया, थोड़ा पीछे करता हूँ। हाँ अब सही है, चलो 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 चलो, लगता फिर से चढ़ाई आ गई आगे। ये क्या आ गया, कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ये सही है, लेकिन पीछे से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्या आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है, दिखे बहुत गड़बड़ हो रही है। तो चलता रहे चलता रहे, क्या आ गया, जहाँ जंगल में रखे चलता हूँ, ये निकल गया।
निकल गया निकल गया, बस निकल गया। व्हील से उड़ाता है इसके। ये क्या सामने क्या है ये? ओए ब्रिज आ गया, ब्रिज पे मजा आने वाला है। अरे चल चल चल, अबे क्या हो गया, चेसी तो नहीं लटक गए नीचे? थोड़ा बैक करता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा देता हूँ शायद चढ़ जाए। एक दो तीन और ये टू, चल ऊपर चल चल। अबे गियर क्यों डाल रहा है भाई, चढ़ जा तेरी माँ का बहुत सारा। अबे चढ़ने को बोला, गिरने को नहीं बोला। मैं पीछे पीछे ले, पीछे ले नहीं, आगे ही लेता हूँ, लेकिन थोड़ा माइंड यूज़ करते हैं। ये अब तो दे दे, ये दरख्त मिलना चाहिए मुझे बैंक डालने के लिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अब चाहिए, ये हुई बात। और आप चढ़ाते हैं आगे की तरफ। ये चीज़ बो 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 बो। ना 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 ना, ये क्या हो रहा है? नज़र भी आ रहा है फिर भी बिखेर रहा हूँ। अब जो है ट्रक बिल्कुल ओके पोजीशन पे है। अब जो देखना है, बिल्कुल क्लोज में है ये, इसके साथ टच हो सकता है। बाकी ऐसा करता हूँ, ट्रक को बिल्कुल जो है ना सही पोजीशन में करके बिल्कुल धीमे धीमे से आगे की ओर करता हूँ, ताकि हम लोग धीमे से देख सकें कि क्या माजरा है यहाँ पर। ये लगा, ये चला, अटका अटका, तोड़ दिया रोड को, तोड़ दिया। आगे भी ध्यान करना है, वरना खड्डे में जा सकता हूँ, खड्डे में जा सकता हूँ। ब्रिज पर गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है। पीछे वाले टायर बिल्कुल गुड पोजीशन पर नहीं आ रहे, पूरे पूरे आएंगे, पूरे पूरे जाएंगे। चलो चलो चलो, ये क्या, अरे यार ये कहाँ अटक गया। चलो ना, थोड़ा बैक में देता हूँ, आगे को देता हूँ फिर। ये किया पीछे, और ये डाल आगे को, और ये आया बस ऐसा बस। चल चल चल, नहीं कर सकता नहीं, हेल्प लेनी होगी थोड़ा सा। करता हूँ इससे पहले रात हो जाए, मैं थोड़ा देर कर लूँ। ये चीज और ये रहा, थोड़ा हेल्प लेना था सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे पहला साउंड भी हो सकता है। बस बस बस, उस तरफ नहीं जाना, हमें सीधा जाना है। और अब मसला ये है कि पीछे में कितनी जगह, हमारे पास थोड़ी सी जगह है, फिर भी हम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। उत्तरी माँ निकल गया, ये चीज। अब एक और चीज़ पीछे दिखाने वाले हैं हम आपको। ये देखो रे, इसका तो ऐसे जैसे कमर का हड्डी टूट रहा है, ऐसे लग रहा है। वैसे इसको दबाने पर क्या होगा? अरे हड्डी टूटने की आवाज़ आई है। ओ फिर से आई, बस इतनी थी, काफ़ी हो गया, बहुत हो गया। चलो आगे चलते हैं, बहुत अच्छी जो है ना मज़ा आ रहा है इस रोड पे चलने का। ये गेम का अपना मैप नहीं है, ठीक है, ये मैंने नेट से डाउनलोड किया। तो आपके पास जो भी गेम होगी, मतलब मेरे पास 2016 वाली है, 3 तारीख तीसरा महीना 2016 वाला वर्जेशन है, ठीक है। तो उसके मैंने उस वर्जेशन का ये मैप निकाला है, तो उसका मज़ा कर रहा हूँ, आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो आपके पास जो वर्जेशन होगा, आपने उसका मैप निकालना है, तो उसका मज़ा करें। अगर आपके पास ये वाला है तो आप उसका इजली निकाल सकते हो, दूसरे का मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लिहाजा अभी आगे पानी आ गया, और अब हम लोग जाने वाले हैं पानी में। अब आराम से भैया, आराम से धीमे चलो, यही चलना चल रहा है, यही चलना चल रहा है, कितनी है ये दुनिया।
सारे लेंगे तो लेंगे। अरे यार चल चल कोई ना, टिकट नहीं है, दल दल नहीं है, बचत हो गई। उठा ले उठा ले, इस लकड़ी के वजन को उठा के कढ़ाई पे चढ़ जा चढ़ जा। लाइट जलाओ, लाइट बंद करो, लाइट जलाओ, लाइट बंद करो। क्या यार, टन 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 टन। इसमें यह है, हारन दबाने पर यहाँ से परिंदे उठते हैं। ठीक 10 या 15 सेकंड बाद हारन चलाओगे, विनिंग हो जा रहा है भाई, ये कार उठा रहा है। चलो 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 चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अबे ये क्या, गियर लगाना होगा, लगा दिया। भगाओ 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 भगाओ, तेरी माता फोन आया, तेरी माता फोन आया। उठा ले चल। अरे गियर उठाने को बोला था, फोन उठाने को नहीं। चल ये चीज, और ये निकला ये निकला ये निकला। अगर तू फंस गया बेटा यहाँ पे आजू बाजू में, तो हेल्प करने वाला नहीं है सिवाय दरख्त से, क्योंकि जितना लोड है दरख्त पे भी हेल्प लेना बहुत डेंजर होता है। आगे वाले व्हील तो ये उठा लेते हैं, तो हेल्प कैसी होगी आप देख सकते। चलो चलो चलो, चलते रहो चलते रहो। थोड़ा सा रह गया, बस पहुँचने ही वाले हैं। ये क्या, यहाँ से राइट, हाँ राइट में जाना है। चल गियर लगा ले और ये चला। बैटर पोजीशन, बैटर पोजीशन। चल बेटा चल, चला चला। बहुत अच्छा, रोड पे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अभी आ गए, ये नॉर्मल सा रोड आ गया, यहाँ पे इजीली ट्रक कोई भी चल सकता है, मेरे घर में कोई भी चल सकता। हाँ तो अभी चलने हैं। चलो 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 चलो, गियर चेंज कर देता हूँ। चलो 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 चलो, ये चेंज, फंसना नहीं बसना नहीं। ये चला ये चला, और ये गियर अटकने वाला है। पीछे क्या हो रहा है, पीछे की तरफ हमेशा की तरफ उस तरह ख्याल करना होगा कि ये जो टायर हैं फटने में ना चले जाए, यहाँ कहीं यहाँ कहीं अटक ना जाए। मतलब आज हमें कोई होना है, किसी और को नहीं होना। रियल लाइफ में भी हमें ये बैक साइड ज़्यादा देखनी होती है, फ्रंट कम देखना होता है मूव टर्न करने के टाइम में। ये देखो ये क्या कहते हैं इसे, अरे इसका एयर केबल मज़ा नहीं आ रहा। क्या छोड़ो, अभी हम पहुंच गए हैं तो यहाँ पे इसको अनलोड करेंगे। ये ट्रक का यहाँ तक सफ़र था, तो इस ट्रक पर भी आपको मज़ा आया होगा जैसे कि ट्रैक्टर पर आया होगा। इसको इसकी जोली में डाल देते हैं, उठा लेते हैं बाबा। अच्छा अब हमारा दूसरा है, इसको रेडी किया हुआ है। इसको हमने यहाँ से यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ सीधा और यहाँ यहाँ पर हमने पहुँचना है। ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। ये लगाया गियर और ये भगा दिया। अबे वाह, ये तो वो मट्टी वाला पानी है, इसमें फंसने के चांसेस तो होंगे ही, पर साथ में डूबने के भी हो सकते हैं। ये गांव पूरा का पूरा पानी में आ गया हुआ है, पता नहीं कहाँ से पानी आ गया इतना। हैरानगी की बात है, पानी आने के बावजूद सब कितने आराम से चल रहा है। तो अरे वाह क्या बात है। आप जब भी अगर ये मैप, अगर आप डाउनलोड करके खेलते हो तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई उसने मैप ऑन किया था तो ट्रक लोड था बस ऐसे खेला और मज़ा किया। नहीं, मैंने काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर, ट्रक को लेके आया, लकड़ियाँ लोड की, फ्यूल पूरा किया, ग्लोकिंग लोड की, गैराज ओपन किया, गाड़ियों को अनलोड किया, बहुत मेहनत की, तब जाके यहाँ पर मैंने उनको रेडी किया, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए। लेकिन आपको भी मेहनत करनी होगी, और लेकिन आपको मैं इस तरह से मदद करने के लिए बहुत ऑप्शन यही दूंगा कि आप लोग ये ना प्ले ग्राउंड वाले मैप को डाउनलोड करें और उसमें इंस्टॉल करें। ठीक है तो उसमें क्या होगा, आपको इस तरह की चीज़ें जल्दी करने को मिलेंगी। यही कोई 10 मिनट में आप इस तरह की सब चीज़ें रेडी कर सकते हो और भेज सकते हो। ठीक है लेकिन प्ले ग्राउंड में हर तरह का मैप नहीं मिलता, आम के दिन में नॉर्मल से मैप मिलता है, डिफ़िकल्ट चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। तो यहाँ से हमने राइट में जाना है,
ना तो ट्रक के टायर नज़र आ रहे हैं ना ट्रेनों के, और आप ये टायर नज़र आ गए और वो भी बिल्कुल चीप में, और ये जम गए हो गए फिर से साफ होंगे ये चले पानी में। वाह चलते रहो और ये आगे रोड आ गया, आप लक्कर रोड पर मज़ा आने वाला है। वहाँ पर भी रोड बहुत गंदा था लेकिन मैनेज कर लिया था। यहाँ पे रोड, ये रोड नहीं है, ये थोड़ा सा ऑफ रोड टाइप है। मेरे ख्याल से मुझे बाहर निकल गेट ठीक करना होगा। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो, नहीं लगी तो डिसलाइक करो, ऐसी कोई बात नहीं। लगी नहीं लगी तो नहीं लगी, आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करो। अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं यार ये गाड़ी को बनाओ या इस तरह का कुछ होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसा करो या वैसा करो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा और ऐसा करने का। तो अभी ये आ गया रोड, रोड तो आ गया पर ये क्या गलत होने वाला है कुछ। ब्रेक 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 बेटा ब्रेक, जब टर्न नहीं कर पा रहे तो ब्रेक, जब टर्न नहीं कर पा रहे तो ब्रेक। ग्राहक में क्या लेने जा रहा है, बात किया ये चीज। बाप रे ये सीन देखने वाला है, इसकी हड्डी तो बिल्कुल प्लस हो गई है, बिल्कुल सीधी हो गई है। और इसके टायरों को देखते हैं, ये टायर ऊपर पे है, अरे क्या लकड़ी कमर में घुसी हुई है इसकी। ये चला और ये चलो चलो चलो, तुम्हें चढ़ना होगा, तुम कर सकते हो बेटा, तुम कर सकते हो, व्हील उठाओ। अरे वाह क्या पहिए उठा रहा है भाई, मज़ा आ रहा है मज़ा, पर पहिए के साथ उलटना है भाई। गाड़ी को उलटाने में कुछ फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, कभी एक दो बार ऐसा हो गया है, मैंने ये बहुत मेहनत की है इससे। और ये हो गया, ये क्या ये क्या ये क्या, ये सामने क्या आया, पानी आया, ये सही है, ये हो गया। इतना तीसरा गियर लगाने की क्या ज़रूरत है, जब देर को दिखाई दे रहा सामने चढ़ाई है तो फिर से वही व्हील उठाएगा। और ये व्हील उठाने का टाइम आ गया, व्हील उठाया भाई आ गया। अरे वाह वाह भी वाह, व्हील उठा रहा है, अरे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है सही जा रहा है सही जा रहा है सही जा रहा है। और ये सामने रोड आ गया, ठीक है ये रोड कैसे आ गया, ये रोड पर कैसे करेंगे, ये गलत है ये गलत होगा, पर हाल हमें करना होगा। और ये हम लोग चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए, एक सेकंड रुको 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 रुको, मुझे लगा हम गलत आ गए, इसको तो वहाँ पे होना चाहिए था। ये क्या हम आगे आ गए हैं, हमें पीछे जाना होगा, पीछे थोड़ा मुश्किल होगा, आगे देखता हूँ टर्न कर सकते हैं आगे से, आगे पानी है तो मेरे ख्याल में पानी से घुमा ही लेंगे ट्रक को, क्या ख्याल है। चलो पानी से घुमा के लाते हैं, व्हील उठाने वाले बाबा अब थोड़ा व्हील नीचे करो, ब्रेक लगा बोला ना ब्रेक लगाने का, अरे बाबू रा कस टाइल रे, अरे ब्रेक लगा रहा ब्रेक रहा ब्रेक 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 ब्रेक, टर्निंग करने का टर्निंग राइट में राइट नहीं लेफ्ट राइट राइट, हाँ कैमरे की वजह से मेरे को लेफ्ट राइट बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है यहाँ पे ट्रक को घुमाएंगे तेज़ी तेज़ी से जल्दी जल्दी से पानी में घुसेड़ा, क्योंकि यहाँ पे रोड है ये हमको पता है, और हम इसको जल्दी से घुमाएंगे और वापस लेके जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। और ये गेट छोटा किया, टर्न करो टर्न करो, मिजी जल्दी टर्न करो, छोटे से छोटा टर्न कर लो 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 कर लो। और ये रहा टर्न हमारा कम्प्लीट, और अब ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, गेट को बंद नहीं करना, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया, हो गया हो गया हो गया हो गया, थोड़ा सा बस थोड़ा सा, अबे आगे क्यों जा रहा, थोड़ा सा थोड़ा सा, सारे जगह पैदा नहीं था, पीछे हो जा,
और ये बस 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 बोला ना, बस इतना रिसर्च मत कर, थोड़ा गियर को निकालता हूँ ताकि नहीं, हो गया हो गया। डी फ्लो को निकालने से मैंने आपको बताया होगा कि जो है ना गाड़ी लैपटॉप जल्दी मूव करती है, वो 16 में व्हील काम करते हैं एक करके, फिर से वही पोजिशन खतरनाक। व्हील उठाने का बहुत शौक है ट्रक को, अब यहाँ से उतरना मुश्किल होगा थोड़ा। पहले की बात और थी, चढ़ रहे थे आराम से आराम से आराम से, हो गया हो गया हो गया, उतर गए उतर गए। अब हमें वहाँ पे अनलोड करना है, कहाँ पे अनलोड करना है, यहाँ पे घुसेड़ेंगे कैसे? अरे यार मेरे ख्याल में से वही सही था, इसको यहाँ से घुमाना होगा। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ ट्रेलर को इस तरफ रिवर्स करता हूँ ताकि हम लोग हो जाए मैनेज, हो जाए मैनेज, बोला ना मैनेज 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 मैनेज। अब बस 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 इतना भी नहीं, अब आगे की तरफ, ये गया और ये गया और ये आया, सही है, तो ये भी हो गया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये क्या भाई, उठाने के लिए बोला था ऐसे उठा रहेगा या ऐसे उठाएगा? ये क्या, नीचे कर, फिर से उठा, ये अच्छी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो अगर जी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करो, और कुछ आपके पास आइडियाज़ हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए। इस गेम में हर तरह की गाड़ी की जो है उन्होंने ऑप्शन दिए हुए, ट्रक स्पेशल कार ट्रेलर ट्रेन ट्रेन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट में। तो बस ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।